हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई बेहतरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय जोशी। हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। आज हम लिविंग का पांचवा कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस के बारे में बात करेंगे। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस क्या होता है? देखिए, आप लोग जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या हम लोग हैं, हम लोग के अंदर एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है। वो क्वालिटी क्या है कि हम लोगों को अपने बाहर के इन्वायरमेंट का आभास होता है। हमको ये आभास होता है कि बाहर का इन्वायरमेंट या वातावरण कैसा है। बाहर गर्मी है या सर्दी है, बाहर जो धूप निकली हुई है उसकी इंटेंसिटी कैसी है, ज्यादा इंटेंसिटी है मतलब कड़क धूप है कि हल्की धूप है। इसके अलावा हमको बाहर के टेम्परेचर का भी आभास होता है कि बाहर टेम्परेचर कितना है, उसके हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते हैं। या मान लीजिए मैंने आपको पिंच उगा दी, ये भी तो एक इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है। बाहर से मैंने काम किया है, मैंने आपको पिंच उगा दी, इसका भी आपको आभास होता है। ये सारी क्वालिटी कितने पाई जाती है? लिविंग में। नॉन लिविंग में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं पाई जाती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो बाहर के इन्वायरमेंट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो बाहरी जो स्टिमुलस होते हैं, जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस होते हैं, उससे जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिफिनीशन के बारे में। द मोस्ट ऑबियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, क्योंकि जो हम लोग में पाया जाता है टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है जो लिविंग में पाया जाता है। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, जटिल कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर ऑफ आल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट दे हैव एबिलिटी। किस चीज की एबिलिटी होती है? दे हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। क्या हम रिस्पॉन्स करते हैं? दे हैव टू एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, यानी जो बाहरी स्टिमुलस होते हैं, जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस होते हैं, उसके प्रति हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाहरी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये कैसा? ये बहुत ही ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर होता है लिविंग्स का। बहुत ही ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर होता है लिविंग्स का। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के बारे में। इन्वायरमेंटल स्टिमुलस क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टिमुलस तीन प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी जो है एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पहले टेम्परेचर बताया था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताया था। उसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है वो फिजिकल भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है, और जो स्टिमुलस है वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या बायोलॉजिकल हो सकता है। फिजिकल स्टिमुलस जैसे कि टेम्परेचर के प्रति हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसके अलावा वाटर हो गया, ये हमारे फिजिकल स्टिमुलस हो गए। केमिकल स्टिमुलस की बात करें, एसिड यहाँ पर भाई गिर जाएगा तो आप रिस्पॉन्स करेंगे कि नहीं करेंगे? एसिड अगर आपके हाथ में गिर जाएगा तो आप रिस्पॉन्स करेंगे। तो एसिड क्या है? एसिड एक केमिकल है। तो केमिकल स्टिमुलस में एसिड, बायोलॉजिकल स्टिमुलस। भाई ये बायोलॉजिकल स्टिमुलस क्या होता है? जैसे
स्टिमुलस के आप रिस्पॉन्स तो करते हैं, इन चुगाली आप रिस्पॉन्स तो करते हैं, अब बालिश का स्टिमुलस, भैया सामने सांप आ गया, अब सांप आ गया तो आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे कि नहीं करेंगे, सांप क्या है, सांप स्टिमुलस ही तो है, और रिस्पॉन्स करेंगे तो क्या है, बायोलॉजिकल स्टिमुलस, स्नेक, सांप, भाई वो भी तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, स्नेक, और आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं स्नेक, ओके समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं, पहले निकाल दें, देखिए जो कॉन्शियसनेस है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनका शरीर केवल एक कोशिका से बना हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, या वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड सभी करते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर हो, प्लांट हो या एनिमल हो, इन्वायरमेंट के प्रति सभी रिस्पॉन्स करते हैं, इन्वायरमेंट के प्रति सभी रिस्पॉन्स करते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब एनिमल का चलो ठीक है, प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, प्लांट करते हैं रिस्पॉन्स, आप देखे होंगे बहुत से प्लांट होते हैं, इधर अगर सन है तो ये इस तरफ को ही ग्रो कर जाएंगे, इधर अगर सन है इधर ही ग्रो कर जाएंगे, बहुत से प्लांट होते हैं मान लीजिए वो एक्वाटिक प्लांट है, जलीय जीव है, पानी में रहते हैं, और ये तालाब यहाँ पे है, यहाँ पे लेक है, या यहाँ पे जो है लेक है या झील है, और वो बेचारा यहाँ पे कहीं ग्रो हो गया, तो वो धीमे धीमे अपनी अपनी जो रूट है उसको इधर ही कर लेगा ताकि वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सके। तो जो प्लांट है वो भी इन्वायरमेंट फैक्टर के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, तो प्लांट है वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। इसके अलावा एक बात और करते हैं, अभी मैंने बात की थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। देखिए ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, आप जानते हैं कि जाड़े के महीने में दिन छोटा होता है, मतलब लाइट 7-8 घंटे रहती है, और गर्मी के मौसम में 12-14 घंटे लाइट रहती है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना, ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी तो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, तो प्लांट ड्यूरेशन ऑफ लाइट के प्रति भी रिस्पॉन्स करते हैं। इस तरह से प्लांट ड्यूरेशन ऑफ लाइट के हिसाब से दो प्रकार के प्लांट होते हैं, तीन प्रकार के प्लांट होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, दूसरे होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरे होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। जो शॉर्ट डे प्लांट है ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के, इन्वायरमेंटल फैक्टर को, ये जो है साहब तभी ग्रो करेंगे जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, मतलब ऐसे प्लांट केवल तब ग्रो करेंगे जाड़े के सीजन में। इसका एग्जांपल क्या है, सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन एक ऐसा प्लांट है जो शॉर्ट डे प्लांट है। यहां बात करें ये भी रिस्पॉन्स करते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट के जरिए मतलब कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के जरिए, जो फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसके द्वारा, तो लॉन्ग डे प्लांट इनको जो है ज्यादा चाहिए, यानी 12 घंटे से ज्यादा लाइट इनको चाहिए, इनको क्या बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इसका एग्जांपल क्या है, रेडिश, रेडिश, और तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट, इनसे जो है ड्यूरेशन ऑफ लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे लाइट कम हो या ज्यादा हो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एग्जांपल क्या है, पोटैटो, पोटैटो। अब बात करें कुछ सीजनल बीड, कुछ होते हैं सीजनल बीडर, सीजनल बीडर जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों में रिप्रोडक्शन
हमेशा होता है, कोयल के कोयल नख होता है, लेकिन बहुत से एनिमल ऐसे होते हैं, बहुत से एनिमल ऐसे होते हैं जिनका एक सीजन होता है, वो तो सीजन में ही ग्रो करते हैं, मतलब कि उनमें रिप्रोडक्शन एक सीजन में ही पाया जाता है, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं सीजनल सीजनल ब्रीडर्स। क्या बोलते हैं? ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स। अब देखिए जो सीजन है यानी जो मौसम आता है वो भी तो एक एनवायरमेंटल फैक्टर ही है ना, तो सीजन आता है जो मौसम का परिवर्तन होता है वो भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, और उसी के हिसाब से बहुत से एनिमल में रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जो सीजनल ब्रीडर प्लांट है वो एनवायरमेंटल फैक्टर के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप एक अच्छा एग्जाम्पल जानते हैं फ्रॉग। फ्रॉग आपको जो है केवल बरसात के मौसम में दिखाई पड़ेगा और वो ब्रीडिंग के लिए ही बाहर आते हैं, उसके बाद वो फिर से डोमिनेंट स्टेट में चले जाते हैं, डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग के बारे में। हर कैरेक्टर को हम बताते हैं डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको आप यहाँ पे नोट लगा के लिखिए। समझाने के लिए मैं बता दूं, मैंने कहा था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कब होती है, जब कोई प्रॉपर्टी केवल और केवल जितने भी दुनिया में लिविंग पाए जाते हैं सब में पाई जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि जितने भी नॉन लिविंग प्लांट है, नॉन लिविंग एनिमल है, सॉरी नॉन लिविंग तो कोई प्लांट एनिमल नहीं होता है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें ना पाया जाए, उसमें ना पाया जाए। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, जो हम इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं उसी को तो कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब बताइए क्या ये बोर्ड इन्वायरमेंट के प्रति कोई रिस्पॉन्स करेगा क्या, क्या तुलसी मेज इन्वायरमेंट के प्रति कोई रिस्पॉन्स करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन्वायरमेंट के सारे रिस्पॉन्स करते हैं, इसमें कोई भी अपवाद कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए जो कॉन्सियसनेस है ये क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसको हम एक चार्ट के जरिए बना भी लेते हैं ताकि सारे के सारे एक साथ हो जाएं, सारे के सारे एक साथ हो जाएं। पहला क्या था, ग्रोथ। सबसे पहले हमने आपको बताया ग्रोथ, फिर बताया रिप्रोडक्शन, फिर बताया रिप्रोडक्शन, उसके बाद बताया मेटाबॉलिज्म, फिर बताया मेटाबॉलिज्म, उसके बाद बताया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर बताया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे आखिरी में ये टॉपिक चल रहा है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यही पांच प्रॉपर्टी होती है लिविंग की, यही पांच लक्षण होते हैं लिविंग के, यही पांच लक्षण होते हैं। इसमें देख लेते कौन कौन सी डिफाइनिंग है, कौन कौन सी नॉन डिफाइनिंग है। एक बार लिखते हैं लिविंग, एक क्रम लिखते हैं लिविंग, एक क्रम लिखते हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। अब यहां पे हो गई डिफाइनिंग, डिफाइनिंग वाला हो गया, और ये हो गया एंड ई का, एंड डी का मतलब हो गया नॉन डिफाइनिंग, एंड डी का मतलब क्या हो गया, नॉन डिफाइनिंग। अब ग्रोथ मैंने बताया था लिविंग में पाई जाती है, कैसी ग्रोथ होती है, अंदर से होती है, इंट्रेंसिक ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग में कैसी ग्रोथ होती है ना, होती है, कैसी होती है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ। मैंने बताया था कि बाहर से ग्रोथ होती है, मतलब जो ग्रोथ है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो रही है, तो प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो कोई भी ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है जिसमें रिप्रोडक्शन होता हो, तो भाई ये तो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे जितने भी लिविंग है क्या सभी में रिप्रोडक्शन होता है, नहीं होता है। मैंने बताया था म्यूज है या वर्कर हनी भी है, वो
लिविंग तो है लेकिन उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता नहीं होती है, तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया जितने भी लिविंग है सभी के लिए फॉलो नहीं करता है, सभी के लिए ये फॉलो नहीं करता है। ये प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? नॉन डिफाइनिंग। बाकी मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, और विदाउट एनी एक्सेप्शन जितने भी लिविंग प्राणी है सभी में मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस पाया जाता है। इसलिए ये तीनों प्रॉपर्टी कैसी है? ये तीनों प्रॉपर्टी हो जाती है आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एक टर्म और आता है, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस तो जानते हैं जो एनवायरमेंट के प्रति जो चेंज होता है उसको, उसके प्रति जो हम रिस्पॉन्स करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। लेकिन जो हम लोग हैं, भगवान ने, नेचर ने हमको बनाया है तो हमको इस काबिल बनाया है कि हम जो इन्वायरमेंटल चेंज आते हैं उसके प्रति हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं, और उसके प्रति हम रिस्पॉन्ड तो करते ही हैं, साथ में उससे जो है लड़ने के लिए हम कोई ना कोई तरीका निकालते हैं। जैसे अगर बहुत बाहर बहुत ज्यादा जाड़ा है तो उसके लिए हम क्या स्वेटर वगैरह पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। जब बहुत गर्मी होती है कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं। तो हम लोग में सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। बाकी अगर कोई भी अलग मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करेंगे तो क्या उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है? मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा जाड़ा है तो क्या जो सड़क पे जो है कुत्ते या बिल्ली टहल रहे हैं जब वो कुछ जुगाड़ करते हैं अपना जैकेट वगैरह का? नहीं करते हैं। तो ह्यूमन एक ऐसा है, इसको नोट लगा के लिखिएगा कि ह्यूमन बीइंग्स में, दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें क्या पाया जाता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है ह्यूमन में। ह्यूमन में क्या पाया जाता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसका क्या होता है कि अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अवेयर मतलब कि स्वयं से सुरक्षा करते हैं, अवेयर ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से लड़ते हैं, ठीक है, अवेयर ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से लड़ते हैं और साथ में उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ करते हैं। तो हम लोगों में क्या पाया जाता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। हम लोगों में सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है। इसके अलावा दो छोटे छोटे टॉपिक है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए लिविंग को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। लिविंग के मैंने बता दिया पांच कैरेक्टर होते हैं, खास तौर से ह्यूमन बींग्स के केस में। क्यों? मान लीजिए ह्यूमन बींग्स के केस में लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन हम सामान्यतया कर लेते हैं, लेकिन किसी किसी केस में हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, कोई पेशेंट है, कोई पेशेंट है वो कहां पे है? भैया कोमा में। अब कोई पेशेंट कोमा में है, इसको आप क्या कहेंगे, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? मतलब कोमा में पेशेंट है, पहली बात ये कहाँ है? सपोर्टेड बाई क्या है? मशीन है, सपोर्टेड बाई मशीन, मशीन के द्वारा भैया जिंदा है, मशीन हटा लोगे इनका काम खत्म। ये सपोर्टेड बाई मशीन है। इसके अलावा इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ध्यान दीजिएगा। कोमा में पेशेंट होता है, जो मैंने मेटाबॉलिक रिएक्शन बताई थी, मेटाबॉलिक रिएक्शन इसमें होती है। यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर, मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर, मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर। और जो मैंने एक चीज और बात किया था, हाँ मेटाबॉलिक प्रोसेस इसमें होती है, लेकिन साहब जो इनका ब्रेन होता है, जो इनका दिमाग होता है, वो क्या होता है? डेड होता है। दिमाग डेड होता है भाई, तभी तो कोमा में रहते हैं। कहते हैं कि जो है कोमा में मशीन में रखे हुए हैं, अगर दिमाग काम करना शुरू कर दिया तो भाई फिर से वापस जिंदगी में आ जाएंगे, नहीं तो काम खत्म। तो इनका ब्रेन डेड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोमा के जो पेशेंट होते हैं उनका क्या होता है? ब्रेन डेड होता है, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अब ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे कि भैया ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? या नॉन लिविंग है। ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं नाइदर लिविंग, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो कोमा के पेशेंट होते हैं उनको हम ना ही
लिविंग यानी जीवित कह सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग यानी मृत कह सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी चीज आपको लिविंग के बारे में और बताना है। देखिए जो लिविंग का कैरेक्टर है ये बहुत ही, जो भगवान ने नेचर में जो हम लोग को बनाया है बहुत ही सोच समझ के बनाया है, और सोच समझ के तो बनाया है, साथ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है हम लोग का। हमने बता तो दिया कि हाँ ये पांच कैरेक्टर पाए जाते हैं और एक कोमा वाला एक एक्सेप्शन आ गया। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं जो हमारी बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। और सेल आपस में जब कंबाइन करती हैं, सेल जब आपस में कंबाइन करती हैं तो फिर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, सेल आपस में कंबाइन करके ग्रुप ऑफ सेल आपस में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। और टिश्यू टिश्यू आपस में कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू आपस में कंबाइन करके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और जब ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी बन जाती है, हमारी पूरी क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है। ये खैर सही से बना नहीं है, लेकिन ऑर्गन सब कंबाइन करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी बन जाती है, बॉडी बन जाती है। और इसके अलावा ऑर्गन कंबाइन करते हैं बॉडी बन जाती है, लेकिन इसके बीच में एक फैक्टर और आता है, वो क्या आता है कि हम लोग के केस में बहुत से ऑर्गन होते हैं जो आपस में मिलजुल के काम करते हैं। जैसे कि हम लोगों में अगर डाइजेशन हो रहा है तो क्या केवल पेट का ही रोल है, नहीं है ना, उसमें लीवर का भी रोल है, इंटेस्टाइन का भी रोल है, पैनक्रियाज का भी रोल है, सब अलग अलग ऑर्गन है और सारे मिल करके काम करते हैं। इसलिए ऑर्गन से बनता है क्या, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम है बॉडी, क्या सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से बनती है हमारी बॉडी। यहां मैं आपको बताना यह चाहता था कि नेचर ने सबसे अच्छी बात क्या कही है कि एक अकेला सेल जिस काम को नहीं कर सकता है, एक अकेला सेल जिस काम, जिस फंक्शन को नहीं कर सकता है, जब वही सेल आपस में ग्रुप में आकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये टिश्यू वो काम कर लेता है जो सेल नहीं कर सकता है। ऐसे ही ये टिश्यू जो काम नहीं कर सकता है, जब टिश्यू आपस में कंबाइन हो करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं तो ये ऑर्गन उस काम को कर लेता है। समझ में आ रहा है, ऐसे ही आगे वाला है, ऑर्गन आपस में मिल करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो लिविंग में आप अपने शरीर के अंदर ही देखिए कि जो काम सेल अकेला नहीं कर सकता है वो सेल मिलकर कर लेते हैं, इतनी अच्छी बात है। जो टिश्यू अकेले नहीं कर पाता है वो ऑर्गन कर लेता है। तो ये बात आपको बतानी थी। अब इसको बताने के बाद जो हमारा पहला टॉपिक है, जो हमारा पहला टॉपिक अभी तक चल रहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये होता है कंप्लीट। और इसी के साथ जो हमारा पहले चैप्टर की जो पहली हेडिंग है द लिविंग वर्ल्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ग्रोथ का मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये खत्म होता है। अब अगले चैप्टर से हम बात करेंगे जो हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। क्या होगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये लेक्चर अगला वीडियो आएगा, हम लोग वेट करें। ओके, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।